हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी दिवाली। मित्रों, दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिवाली बहुत अच्छे से मिले, आपके जीवन में अपार खुशियां आए। इसके साथ ही हम आपको ये आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप दिवाली में कम क्रैकर्स छोड़े, ये बहुत पोल्यूशन फैलाते हैं। आप लोग कई लोग हैं, इसके अलग अलग राय हो सकती है, बट ये फैक्ट है मित्रों कि जो आपका क्रैकर्स है वो काफी मात्रा में आपको जो सल्फर के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और जो ये आपको जनरेट करते हैं, जो बहुत काफी खतरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और आपको आप न्यूज़पेपर में पढ़े होइएगा कि जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो काफी वर्स्ट कंडीशन में जा चुका है। 400 जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको 0 से 500 के ग्रेड में आपको ये मेजर किया गया है, जिसमें जो 500 मैक्सिमम काफी वर्स्ट कंडीशन है, काफी खतरनाक है, 400 के पार जा चुकी है ये। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 26 तारीख को आई थिंक वो एक ऑर्डर निकाला था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमारे कंट्री में जो आप क्रैकर्स जो आप छोड़ते हैं उनका टाइम को 2 घंटे के लिए बॉन्डेड कर दिया गया था, और ऐसा कहा गया था कि आप 8 से 10 के बीच में आप पटाखे छोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने इसको रिवाइज किया गया, अपने आदेश को रिवाइज किया, कहा कि ये जो हम आदेश दे रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली के लिए लागू होंगे, बाकी अपने स्टेट गवर्नमेंट तय करे। तो मित्रों, हम जहाँ पर भी रहते हैं, जिस शहर में, मुजफ्फरपुर, ये भी इनका जो पोल्यूशन लेवल है काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पर भी पिछले दिनों जो सर्वे आई थी उसके अनुसार ये हमारा जो टॉप मोस्ट जो पोल्यूटेड आपका सिटी है इंडिया में, वो 4th स्थान पर था। तो यहाँ भी आपको क्रैकर्स का कम यूज करना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बार बार अपने फैसले क्यों बदलने पड़े? देखिए, जब उन्होंने कहा कि क्रैकर्स को आपको यूज नहीं करना है, जो क्रैकर्स जो आपका इंडस्ट्री है वहाँ के लोग क्या करने लगे, वो हड़ताल पर बैठने लगे। उन्होंने सरकार से, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने आपत्ति जताई कि देखिए कि ऐसा कीजिएगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। भाई देखिए, वहाँ पे वो बेरोजगार हो रहे हैं, बट सरकार को पोल्यूशन के लिए काफ़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकार कभी गाड़ी पर बैन करती है, वो वहाँ पर कभी क्या करती है, अलग अलग रूल्स निकालती है, कभी आपका वाटर स्प्रे करवाया जाता है, केमिकल स्प्रे करवाया जाता है, इस तरह के, तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। ये ठीक है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना होगा, कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन लोगों का बात मान के ये इस आदेश को फिर से बदल दिया। उन्होंने एक कंसेप्ट लाया, ये ग्रीन क्रैकर्स का कंसेप्ट। अब ग्रीन क्रैकर्स जाते, देखो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ग्रीन क्रैकर्स नाम की कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये होता है कि आप 100% पॉल्यूशन फ्री, नो इमिशन। ग्रीन क्रैकर्स का जो कंसेप्ट है वो 0% पॉल्यूटेड इमिशन के बारे में बात करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो भी क्रैकर्स बनेगी वो कोई भी ग्रीन क्रैकर्स नहीं है, बट नाम दिया गया है। हमको बता दें, जो ग्रीन क्रैकर्स जो आपको 3 तरह के बनाए जाएंगे, हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, जो एक स्वास है, स्टार है, और एक सफल, ये 3 तरह के हैं। बट वो इस बार मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है यहाँ का, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो बनाने जा रही है, और इसका टेस्टिंग आपको करेगा, पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका टेस्टिंग करने वाली है। तो इस साल उन्होंने कहा है कि मेरे पास उतने क्रैकर्स नहीं है जो मार्केट में उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर हम आम लोगों पे डाली जा रही है। देखिए, सरकार यहाँ पर क्या कर सकता था, आपने देखा कि पेट्रोल की रेट बढ़ी, हम रोड पे आए, कई पॉलिटिकल पार्टी भी रोड पे आई। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्रैकर्स के प्रोडक्शन को बंद करवा दें, क्रैकर्स के प्रोडक्शन को या तो मिनिमाइज कर दे आप, और क्रैकर्स का जो रेट है उसको आप हाई कर दे। क्रैकर्स पे जो इंडिया में कई बार ग्रीन टैक्स लगाने की बात किया जा रहा है, उसके साथ वो ग्रीन टैक्स भी लगा दे। इससे लोग क्या करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं खरीद पाएंगे, और ये पोल्यूशन जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि पटाखे की फैक्ट्री को कैसे बंद किया जाए, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होने वाली है हमारे इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण से। आपको पटाखे की कंपनी बंद करनी होगी, जहाँ तक हो सके मिनिमाइज करना होगा। लोग कई बार इसको धर्म के साथ जोड़ के देखते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पटाखे छोड़ लेते हैं और पटाखे छोड़ने के बाद आप जो है सांस जो है वहाँ पर बहुत ख़राब लेते हैं, वर्स्ट कंडीशन में एयर पोल्यूशन चली जाती है।
तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा। देखिए हमारी जो गवर्नमेंटल डाटा है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कुछ भी कहती है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मैन है वो इंडस्ट्री के लिए जिस तरह का वो जुगाड़ लगा ले आपको कि हमारी इंडस्ट्री ये हो जाएगी वो हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, किसी भी तरह का बात कर सकती है, बट एज ए इंडियन हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने देश की रक्षा स्वयं करें। आपको पता है कि दिल्ली किस कंडीशन में चला गया है, हमारा जो शहर है वो भी बहुत वर्स्ट कंडीशन में जा चुका है फ्रेंड्स। तो आपसे हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग क्रैकर्स का इस्तेमाल ना के बराबर करें, अपने लिए ना करें, अपनी सोसाइटी के लिए ना करें, अपने आने वाले भविष्य के लिए ना करें। तो ये जो क्रैकर्स है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, पोल्यूशन नहीं होगा। उससे पहले जो गवर्नमेंट के अगर कोई ये बोल सकते हैं अटर्नी, अगर आप देख रहे हैं इनको, अगर ऑफिसर्स देख रहे हैं, तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी जो इकोनॉमी है उनको थोड़ा बहुत आप साइड रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर इकोनॉमी को आपकी बहुत गड़बड़ा जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उतना ज़्यादा खर्च भी करते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो अगर प्रोडक्शन पे रोक लगा दिया जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी भारत सरकार की। जो आप कई बार इस तरह का जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की चर्चाएँ चलती रहती है कि आपके पोल्यूशन लेवल को 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है, इन सबको देखते हुए आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्रैकर्स का यूज ना करें, कोई भी क्रैकर्स पोल्यूशन फ्री नहीं है। ग्रीन क्रैकर्स की बात हमारी इंडिया गवर्नमेंट कर रही है, बट ग्रीन क्रैकर्स मार्केट में नहीं आए हैं। अगर वो ग्रीन क्रैकर्स आ जाते हैं तो 30-35% पोल्यूशन नहीं होगा हमारे यहाँ, बट 70% पोल्यूशन फिर भी फैलेगा। इसीलिए ग्रीन कीवर्ड की कोई भी यहाँ पर क्रैकर्स नहीं आई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्रैकर्स का बेतहाशा यूज ना करें, जितना हो सके कम करें, पोल्यूशन को बचाए, ये हम सबका धर्म है। चलिए थैंक्स अलॉट एंड अगेन विश यू हैप्पी दिवाली।